जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान आगरा का लाल शुभम गुप्ता शहीद हो गया। जैसे ही उनकी शहादत की खबर परिवार को हुई, शोक की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते पूरी खबर ताज नगरी में गूंजने लगी और सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए शहीद के घर पहुंचने लगे। जनप्रतिनिधियों से लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके घर पहुंच सांत्वना दी। शहीद के घर से सिर्फ एक ही आवाज़ उनके परिवार की ओर से निकल रही थी कि हाल ही में शुभम गुप्ता घर आए थे, हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया था, सभी लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाया था और अब वो ऐसा गम दे गए कि अब उन्हें फिर दोबारा से कंधों पर उठाना पड़ेगा। देखिए, बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पे भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है, तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट जो DGC भी हैं, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है, अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे, लेकिन उसका संकल्प था देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, भारत माता के लिए काम करना। और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और दूसरे शब्दों में कहें तो गर्व का एहसास भी होता है कि हमारे एक मित्र के बेटे ने अपने प्राणों को नौछावर किया देश के लिए, उन्होंने बलिदान किया है शुभम ने। उसके माता पिता भी धन्य हैं कि उन्होंने शुभम जैसे लाल को पैदा किया। तो सभी आगरावासी जिसको भी सूचना मिल रही है सब दौड़ के आ रहे हैं। दुख का वातावरण भी है, गर्व भी है। देखिए, अभी तक तो जो विधिवत कोई जानकारी ऐसी मुख्य रूप से तो नहीं आई है, लेकिन जैसी कि चर्चा है